असल मैं वीवंत वेलकम बैक टू अरथर वीडियो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ बी एंड बी के राइस ग्लोइंग किट का रिव्यू शेयर करने लगी हूँ जो कि ऑल ओवर इंटरनेट इतना फेमस हुआ पता है जिसकी कोई इंतहा नहीं अच्छा जी रिव्यू पे जाने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू जी कर देना ज़रूर अच्छा जी मूविंग टू दिस ये मैंने टिकटॉक खोलो जहाँ खोलो आपको ये बी एन बी का राइस ग्लोइंग किट बी एन बी का राइस ग्लोइंग किट तो ये है कि राइस के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है अच्छा इसके अंदर हमें तीन चीज़ें मिलती हैं इनका फेस वॉश इनका स्क्रब और मास्क जो कि ट्वेंटी वन हंड्रेड समय पड़ जाता है अच्छा अगर मैं फर्स्ट इनके स्टेप की बात करूं जो कि है इनका फेस वॉश अच्छा मुझे एक चीज जो उसमें अजीब लगी क्योंकि मेरी ड्राई स्किन अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो ये आपकी स्किन को तो काफ़ी हद तक और ड्राई करेगा और आपकी स्किन ना आप बहुत खिंची खिंची सी फील होगी और काफ़ी ज़्यादा अजीब मतलब ड्राई सी हो जाएगी मतलब उसके बाद आपको एक बहुत अच्छा था मॉइस्चराइज़र अच्छा करके लगाना पड़ेगा मुँह पर ठीक ठाक करके अच्छा अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें जो ये कहते हैं कि ये आपकी स्किन को लाइटन अप करेगा ब्राइट करेगा प्रिवेंट स्किन एजिंग और इम्प्रूव द स्किन टेक्सचर यानी कि ये आपकी स्किन को ग्लो भी देगा थोड़ा सा स्किन टोन भी चेंज करेगा और एंटी एजिंग वगैरह का वो मसला है तो वो भी ठीक करेगा सेकेंड स्टेप जो होता है वो है स्क्रब अच्छा स्क्रब के कोई हार्श पार्टिकल्स नहीं है आपको काफ़ी ज़्यादा स्किन सॉफ्ट भी फील होगी और सेम एज इट इज़ जो मास्क फेस वॉश के इन्होंने क्लेम किए थे वही इन्होंने स्क्रब का भी किया ठीक है तो मुझे स्क्रब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा लास्ट स्टेप जो होता है वो हमारा है जी ये मास्क जो कि आप दूध रोज़ वाटर या मलाई वगैरह के साथ लगा सकते हो ठीक है इसमें सिर्फ राइस का पाउडर नहीं है इसके अंदर आपको थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी वाली वाइब्स भी आएंगी तो काफ़ी चढ़ के ठीक है तो अच्छा इन्होंने क्या क्लेम किया इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ग्लैसरीन वगैरह है और ग्रेप सीड ऑयल्स और मतलब ऐसी चीज़ें सारी हैं जो कि आपकी स्किन को काफ़ी इम्प्रूव करती हैं तो मुझे इनके फेस वॉश को छोड़ के और सब तीनों चीज़ें अच्छी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको ग्लो भी देगा मैंने तकरीबन इसको एक मंथ पहले बाई किया या तीन हफ़्ते हुए हैं और मैं इसे तीन से चार दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से इसका आइडिया कि एकदम आपकी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देता है लेकिन फेस वॉश आपकी स्किन को बहुत ड्राई करता है और ये इसका भी होता है कि थोड़ा सा आप एंड में ड्राई फील होगा लेकिन अगर आप मॉइस्चराइज़र लगा लो फुल ट्रीटमेंट के बाद तो आपको इतना कोई खास चीज़ें फ़ील नहीं होने लगी तो ये थी आज की वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो है तो ये तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल में मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में अगर आपकी कोई अपनी भी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं किस चीज़ का नेक्स्ट रिव्यू आपको दूँ